नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां हम आप किसानों तक पहुंचाएं। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, इसके बाद दिखाएंगे आपको कृषि स्टार्टअप और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। हमारी सरकार की कोशिश है कि किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जाएं और इसी दिशा में नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल बीहड़ क्षेत्र को खेती योग्य बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल की गई है और इस पहल का श्रेय जाता है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जिन्होंने विश्व बैंक के साथ मिलकर एक नई परियोजना के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के लिए विश्व बैंक की मदद से एक बड़ी परियोजना बनाते हुए व्यापक काम किया जाएगा। इस संबंध में कृषि मंत्री तोमर की पहल पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री तोमर के अलावा विश्व बैंक व मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी एवं कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए, जिसमें कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि इस परियोजना से बीहड़ क्षेत्र में खेती किसानी तथा पर्यावरण में अत्यधिक सुधार होगा, साथ ही रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे। परियोजना पर सभी ने सैद्धांतिक सहमति जताई और प्रारंभिक रिपोर्ट महीने भर में बनाना भी तय हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री तोमर ने प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से बीहड़ क्षेत्र में कृषि के विस्तार पर जोर दिया। कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि चंबल क्षेत्र के लिए पूर्व में विश्व बैंक के सहयोग से बीहड़ विकास परियोजना प्रस्तावित थी, पर विभिन्न कारणों से विश्व बैंक उस पर राजी नहीं हुआ। अब नए सिरे से इसकी शुरुआत की गई है, जिससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के समग्र विकास का सपना हकीकत का रूप ले सके। परियोजना के माध्यम से कृषि का विस्तार होने के साथ उत्पादकता भी बढ़ेगी। कृषि बाजारों, गोदामों व कोल्ड स्टोरेज का विकास परियोजना के अंतर्गत करने का विचार है। क्षेत्र का होगा समग्र विकास। केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि बीहड़ की 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खेती योग्य नहीं है। प्रोजेक्ट के माध्यम से क्षेत्र में सुधार हो जाए तो वहां खेती प्रारंभ होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बेहतर होगा। परियोजना से बीहड़ विकास के अलावा नए रिफॉर्म से खेती किसानी के लिए मदद होगी। कैबिनेट मंत्री तोमर ने कहा कि क्षेत्र में नदी किनारे काफी जमीन है जहां कभी खेती नहीं हुई, तो ये क्षेत्र जैविक रकबे में जुड़ेगा, जो बड़ी उपलब्धि होगी। जो चंबल एक्सप्रेस बनेगा वो भी यहीं से गुजरेगा। इस तरह क्षेत्र का समग्र विकास हो सकेगा। प्रारंभिक रिपोर्ट बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी बैठक की जाएगी। वहीं आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश के कृषि संचालक संजीव सिंह ने बताया कि पूर्व में विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट प्लान किया गया था। अब सहमति के उपरांत नए सिरे से प्रदेश में कृषि की वर्तमान स्थितियों तथा अन्य प्रदेशों का तत्संबंधी आकलन करते हुए परियोजना का प्रारूप बनाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह ने कहा कि पुराने प्रोजेक्ट को रिवाइज किया जाएगा। कृषि मंत्री तोमर के दिशा निर्देशों के अनुरूप श्री सिंह ने महीने भर में प्रारंभिक रिपोर्ट बनाने पर सहमति जताई। विश्व बैंक के अधिकारी आदर्श कुमार ने कहा कि विश्व बैंक मध्य प्रदेश में काम करने की इच्छुक है। परियोजना से जुड़े जिलों में किस तरह से कौन सा निवेश हो सकता है देखना होगा। प्रोजेक्ट नए रिफॉर्म के अनुकूल हो सकता है। विश्व बैंक के ही अधिकारी एबल लुफाफा ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर भूमि इत्यादि की जो स्थितियां हैं उन्हें समझते हुए प्रोजेक्ट पर विचार किया जाएगा। हम अन्य देशों का उदाहरण लेकर काम कर सकते हैं। मार्केटिंग की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना बनानी होगी। वैल्यू चेन पर काम करना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से ग्वालियर चंबल बीहड़ क्षेत्र को खेती योग्य बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें शुरू हो गई हैं ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सके। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहे कृषि दर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स,
काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। आप समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है कृषि स्टार्टअप का। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री राजकुमारी देवी से, जिन्हें किसान चाची के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और कृषि भी ऐसे ही क्षेत्र हैं जहां महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और अपने लिए नाम कमा रही हैं और साथ ही दूसरों के लिए उदाहरण भी साबित हो रही हैं। ऐसी ही हैं हमारी किसान चाची भी, कैसे इन्होंने कृषि में एक नई कहानी गढ़ दी है और दूसरे महिला किसानों के लिए प्रेरणा बनी है, आइए देखते हैं। ग्रामीण इलाकों में किसी महिला का घर से बाहर निकलना, अपने दम पर कुछ कर दिखाना कभी भी आसान नहीं रहा। 20 साल पहले भी ये सोच और भी प्रबल थी। घर की दहलीज के बाहर अपने बलबूते पर कुछ करने का जज्बा मजाक की वजह और तानाकशी का कारण बन जाता था। राजकुमारी देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक बार कामयाबी ने कदम चूमने शुरू किए तो लोगों का रवैया भी बदल गया। ताना देने वाले उनकी तारीफें करने लगे और मजाक उड़ाने वाले उनका गुणगान। आज से 2 दशक पहले की बात है, राजकुमारी देवी के ससुर ने बेटों का बंटवारा कर दिया और यूं उनके पति अवधेश चौधरी के हिस्से में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आया। इतनी कम जमीन पर घर का खर्च चलाना मुश्किल था। वैसे भी उनके गांव आनंदपुर में तंबाकू उगाने का रिवाज था। अधिकतर एक ही फसल पर निर्भर होने की वजह से किसानों को ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। इसी मजबूरी ने राजकुमारी देवी को घर की दहलीज लांग कर खेतीबाड़ी का काम अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया और इसी तरह राजकुमारी का मिट्टी के साथ संघर्ष शुरू हुआ। वो साइकिल से सफर करती, खेती के नए गुर सीखती और फिर उन्हें अपने खेतों पर आजमाती। संघर्ष बड़ा था, लेकिन इस महिला के हौसले उससे भी ज्यादा बुलंद थे। तानों और फब्तियों से बचने के लिए शुरुआत में राजकुमारी देवी ने सूरज उगने से पहले, शाम में सूरज डूबने के बाद अपने खेतों में जाना शुरू किया। वो जानती थी कि उनकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और उनके परिवार की हालत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने पहला काम ये किया कि तंबाकू की प्रचलित फसल को छोड़कर केला, आम, पपीता, लीची, नींबू और ओल की खेती शुरू की। राजकुमारी देवी के मेहनत रंग लाने लगी। इस रंग को पति अवधेश चौधरी ने महसूस कर लिया। अब वो पत्नी का सहयोग करने लगे। इससे खेती में 4 चांद लग गए। लीची की पहली ही खेप में बम्पर पैदावार हुई। मुनाफा भी आश्चर्यजनक रूप से दोगुना हो गया। शुरुआती सफलता के बाद राजकुमारी देवी ने प्रयोग का दूसरा दौर शुरू किया। उन्होंने अपने ही खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर गोभी, टमाटर, धान और सोयाबीन की फसल उगाई।
इस बार नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। कामयाबी समाज की सोच को बदल देती है। अब गांव के लोग राजकुमारी को गंभीरता से लेने लगे, बल्कि उनका समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। राजकुमारी देवी का मकसद सिर्फ अपने लिए मुनाफा कमाना नहीं था, वह जमाने को साथ लेकर चलना चाहती थी। उन्होंने गांव के लोगों को तंबाकू की जगह फलों और सब्जियों की खेती करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उनका ज्यादा जोर जैविक खेती पर था। हालांकि जैविक खेती की प्रेरणा भी कोई आसान काम नहीं था। राजकुमारी देवी खुद खेती बाड़ी के नए गुर सीखने के लिए दिल्ली में पूषा कृषि अनुसंधान केंद्र आने जाने लगी। कृषि मेलों में अपने उत्पाद लेकर पहुंचने लगी और कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में भी रहने लगी। सरकारी संस्थाओं से जुड़कर राजकुमारी देवी को इस बात का एहसास होने लगा कि खेत से आगे भी खेती की बहुत बड़ी दुनिया है। इस तरह उन्होंने खाद प्रसंस्करण में भी हाथ आजमाना शुरू किया और अचार, जैम, चिप्स वगैरह बनाकर लाखों की कमाई करने लगी। साइकिल चलाने की वजह से पहले किसान चाची के नाम से मशहूर हुई, लेकिन बाद में उनकी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में हुई तो किसान चाची कहलाने लगी। किसान चाची गांव की महिलाओं को भी खेती से जोड़ने की मुहिम में जुट गईं। कुछ दिनों में दर्जनों गांव की महिलाओं ने राजकुमारी देवी की तकनीक को अपना लिया। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने की मुहिम चलाई। देखते ही देखते अकेले सरैया ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 35 हो गई। राजकुमारी देवी पहली एक ऐसी महिला किसान है जिन्हें किसान श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। छोटे से खेत से शुरू हुआ राजकुमारी देवी का सफर आज कई मंजिलें तय कर चुका है। मन में अगर लगन हो, कुछ करने का जज्बा हो, तो संसाधनों की कमी और समाज का विरोध कोई मायने नहीं रखता। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कृषि दर्शन में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। देश है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवा कर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग,
फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या एसएमएस के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से दो दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांच कर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान देश की शान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में और देखते हैं कि जुलाई के महीने में हमारे किसानों को किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आइए देखते हैं इस माह का कृषि कैलेंडर। आम एक ऐसा फल है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी का पसंदीदा होता है, इसीलिए इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। जुलाई के माह में आम की तैयार हो रही प्रजातियों को समय पर बाजार भेजने की व्यवस्था करें एवं जुलाई के आखिरी हफ्ते में आप आम के पौधे लगा सकते हैं। फलों की तोड़ाई के बाद पेड़ों की कटाई छटाई करें। सूखी व रोगी टहनियों को काट कर जला दें। आम के पेड़ की देखभाल। आम में शाखा कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस की 125 मिलीमीटर अथवा डाइमेथोएट 150 मिलीमीटर मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर पेड़ों पर छिड़काव करें। आम में रोग की रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स 0.3% 100 ग्राम पानी में घोलकर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 0.3% 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर पेड़ों पर छिड़काव करें। तो ये था इस महीने का कृषि कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हो गया है फार्मिंग इंडिया का। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जो कि हमारे किसानों के लिए एक कवच की तरह साबित हो रही है। कैसे हमारे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इससे जुड़ी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में जानना उनके लिए जरूरी है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को काफी सुविधाएं दे रही है। खास तौर से प्रीमियम दर काफी कम है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को महज 2% प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% रखी गई है। बाकी रकम सरकार वहन करेगी। खरीफ की जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोठ और मूंगफली है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक बहुत से जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपने फसलों का बीमा कराया है और आप प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से फसल नहीं बो पाए या फसल में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी बीमा भुगतान का दावा किया जा सकता है। खड़ी फसलों में भी सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी आप दावा कर सकते हैं। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। पिछले खरीफ सीजन की बात करें तो कुल 4,15,40,000 किसानों ने 3,23,20,000 हेक्टेयर फसलों का बीमा कराया था। आंकड़ों से पता चलता है कि खरीफ सीजन में बीमा कराने वाले किसानों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan.dd@gmail.com। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। तुम्हारी मम्मी तुम पे कैसे हुक्म चलाती है जे? ये है सोलर वाटर पंप, इससे बहुत सारे फायदे हैं। सरकार का लक्ष्य है हर राज्य में कृषि के लिए सब्सिडी के आधार पर सोलर पंप प्रदान करना। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 देखिए सिर्फ DD किसान पर। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं उठेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें, आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांच कर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान देश की शान। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है, जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे DD किसान चैनल पर। बदलते भारत की शान।